दोस्तों ये वीडियो काफी अफसोस के साथ बनाया जा रहा है क्योंकि अपना बिल्कुल जो भी कमजोरी है उसको हम जाहिर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी के लिए, ताकि आप लोग ऐसा गलती कभी ना करें लाइफ में। क्योंकि आपका भाई एक बार किया है ना, तो आज 4 साल से भुगत रहे हैं और वो गलती आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो आप सभी के लिए मैं अपना इज्जत जो है आप सभी के सामने दांव पे रख रहा हूँ, पूरा हिस्ट्री अपना बता रहा हूँ आप सभी को। तो देखिए, जब मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लगा तो मेरे अंदर बिल्कुल जुनून आ गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, 4 चक्का लूँगा और अच्छा खासा घर बनाऊँगा, बंगला बनाऊँगा। और इसी के जोश जोश में मैंने पैसा कर्ज लेकर घर बनवाया, शादी किया और शादी के 4 महीने बाद वाइफ का बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया और उसमें भी कम से कम 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया लग गए और घर में 2 से 3 लाख रुपया लग गए और शादी में 2 से 3 लाख रुपया लग गए। टोटल जो है 7 से 8 लाख रुपया का खर्च हुआ, जिसमें मेरे पास मात्र 2 ही लाख था, हकीकत बता रहे। और वो 2 लाख जैसे ही पोस्ट ऑफिस में हम जमा करते थे RD, वो मुझे मिला और वो भी खर्च हो गया, जानते हैं किस में, इसके इलाजों में और जो भी YouTube के पैसा आता था वो भी। अब क्या हुआ है दोस्त, जब ये सही हो गई है तभी क्या हो रहा है मेरे साथ कि जितना कर्ज है ना, सबका सूद देते देते मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, YouTube का भी, दुकान का भी कमाई, और हर महीना ऊपर से 10 से 12 हज़ार माइनस में ही चला जाता हूँ इतना पैसा कमाते हुए। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब पैसा कमाने लगो तो जोश जोश में मेरे साथ गलती ना करो। लेकिन इसे गलती भी नहीं कह सकते क्योंकि घर भी बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कुछ पैसे थे, मैंने सोचा कि घर में लगा देंगे और कुछ कर्ज लेके शादी कर लेंगे। और हुआ क्या कि शादी के बाद इसका तबीयत ख़राब हो गया था। तबीयत ख़राब जो है किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई नहीं जानता है। और सब कोई के राजा मंदिर से ही कर्ज लिए थे, बट एक होता है ना जुनून, तो मैंने सोचा कि नहीं, अपना कर्ज है ना, जैसे कि हमने घर बनाया और शादी किया और इलाज में जितने भी कर्ज है खुद अकेला कमाएंगे और सधाएंगे और उसके साथ घर भी पूरा चलाते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। और इसी के साथ जो है मेरा हर महीना माइनस में चला जाता है। मैं सुबह 4 से 5 बजे जैसे ही आँख खुलता है ना, मैं कमाने के बारे में सोचता ना हूँ कमाने लगता हूँ, जैसे कि वीडियो एडिट करना या दुकान पर जाके स्टिचिंग, मैं एक दर्जी हूँ, सिलाई करना और वहाँ से आने के बाद वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, बनाना, बहुत सारा, मैं क्या बताऊँ आप सभी को, मेरा 2-2, 3-3 चैनल है, इंस्टाग्राम भी है और दिल से काम करते हैं। कभी कभी कंसिस्टेंसी जो है ना टूट जाता है मेरा, टूटने का कारण जानते हैं, जब वीडियो बनाना शुरू किए थे ना तो पूरा घर का लोग, गांव का लोग, रिलेशन का लोग बिल्कुल उखड़ गया था, कैसे कैसे मनाए, और फिर भी सुनने को मिलते हैं ताना, बट हमको उस सबसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्यार भरी, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग देखते हो कि मेरे वीडियोज़ पे 100 व्यूज 200 व्यूज मुश्किल से आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, लेकिन भाई के चेहरे पे आप कभी मुस्कान नहीं देखे होंगे, कभी आगे मैंने रोया गीत नहीं गाया कि मेरे चैनल को आप थोड़ा सा शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, ये हो गया वो गया, कुछ नहीं। मुझे करना है तो करना है, हम आज से नहीं यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, हाँ फिलहाल वाइफ जो है साल भर से नहीं, 6-7 महीना से ही है शॉर्ट्स में मेरे साथ काम कर रही है और ब्लॉग में अब रहेगी, क्योंकि हम लोग फाइनली डिसाइड कर लिए हैं कि अरे यार इतना ज़्यादा कर्ज है तो आप लोग ही थोड़ा सा सहारा कर सकते हो, इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग, ये चैनल है तो सर शेयर कर दे, वीडियो को थोड़ा सा आप लोग वॉच करें पूरा और जैसा लगे आप लोग कमेंट करें। और हाँ, ऐसा गलती आप कभी मत करना, हम तो यही कहेंगे कि 2 दिन उपास रह जाना लेकिन कर्ज मत लेना, किसी से बात सुन लेना लेकिन कर्ज मत लेना, आप किसी से नौ कर रह जाना, ये नहीं कि हम तुमसे बड़े हैं, इसके चक्कर में आप कब माइनस में चले जाओगे, कब उससे कितना ज़्यादा पीछे चले जाओगे कोई नहीं जानता है। तो उस समय तो हम भी क्या क्या बताएं, अब थोड़ा सा कुछ शर्म भी लग रहा है कि गांव का लोग
आप लोग देखते कहाँ कहाँ से देखते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव के लोग मेरा देखते हैं वीडियोज मजाक उड़ाने के लिए। बट कोई बात नहीं है, वो लोग जान चुके हैं कि ये बंदा सुधरने वालों में से नहीं है। और YouTube में यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मुझे आदत हो गया है, मेरे नेचर में जुड़ चुका है ये। जैसे कि डेली ब्रश करना मेरा आदत है ना, उसी तरीके से वीडियो बनाना आदत। अब जाकर सीरियस हुआ हूँ, पहले सीरियस नहीं था, लेकिन लोगों के कमेंट के कारण और ताना के कारण मैंने सीरियस लिया है कि भाई अब मोबाइल से नहीं, जो जलता है ना उसे मैं और जलाता हूँ। और ये जो मोबाइल है मेरा, एक शॉर्ट्स वायरल हुआ था तो अच्छा खासा पैसा बना था, और कुछ पैसा मैंने जमा किया था, वो फेंट कर मैंने DSLR ले लिया फाइनेंस पे, कैनन 200D, ताकि भाई आजकल कंपटीशन का ज़माना है, इस लाइन से पैसा कमा रहे हैं तो लगाना इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि सिलाई का भी चैनल है, उसका भी क्वालिटी चाहिए। और मैंने एक माइक ले लिया था, इसी का लोन ज़्यादा हो गया है। और कोई बात नहीं, आपका भाई झेलता है, झेलेंगे। थोड़ा सा जिस दिन आप लोग सपोर्ट कर दिए ना, उस दिन तो अब हम बोलेंगे और जो कमेंट करते हैं वो सुनेगा। अभी हम सुनते हैं, जानते कैसे डालते हैं। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता होगा ना, तो आप लोग जब भी कोई बोले, कमेंट करे, मजाक करे, बस हंस के टाल देना, दूसरा कोई उपाय नहीं है, हंस के टाल देना। कोई बात नहीं है, मेरा शौक है, करते हैं बस, और आगे निकल जाना, वहां रुकना मत, नहीं तो और मजाक बनेगा। तो चलिए, इसी के साथ जो भी कुछ बताना था हमने कमेंट, जो भी कुछ बताना था हमने बता दिया। और भी कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना, इसी तरीके से वीडियो बना देंगे स्पेशल। ऐसे तो हम पूरे दिन का दिनचर्या दिखाते हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बना दिए हैं कि मैं और आप लोग ये भी जानना चाहते थे कि सर आप कितना कमाते हो, कितना कमाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि लगातार 30 दिन अपने वीडियोज़ में बताता रहूँगा कि मैंने दुकान से कितना कमाया, आज कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ। ऐसे जो सिलाई करते हैं तो डेली के डेली पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो पैसा आएगा और जो खर्च होगा उसके बारे में बता सकते हैं लगातार एक महीना, और लास्ट दिन पूरा रिजल्ट इसका हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाना शुरू कर दिए हैं एक तारीख से। तो 30 तारीख का जो भी महीना लगेगा ना, तो हम लास्ट में बता देंगे आप सभी को, पूरा वो चार्ट ही दिखा देंगे। फिलहाल जो है आप लोग सा एंटरटेनमेंट कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा खुश रहा करें।